अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा ड्रिंक लाई हूँ, माजून। ये पर्शियन स्मूदी है, बहुत ही एनर्जेटिक है। माजून कहते हैं जी कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स, इसके अंदर भी नट्स आएंगे और फ्रूट्स आएंगे, जिससे जो है ये बहुत ही हेल्दी ड्रिंक हमारे रेडी होगा। एज ए इम्यून बूस्टर भी ये काम करता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे जी मैं लूँगी तकरीबन 4 से 5 फ्रोज़न बनानाज हैं। आपने इसको तकरीबन 2-3 घंटे के लिए फ्रीज कर देना है। इसके अलावा इसमें जो है तकरीबन ये 4 से 5 सॉफ्ट डेट्स हैं, इनके खजूरें हैं। अगर आपके पास नरम खजूरें ना हो तो थोड़ा सा पानी में भी सोक कर सकते हैं। इंजीर है हमारे पास, ये 4 अदद है। इसको मैंने तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून पानी में ही सोक कर लिया था 3-4 घंटे के लिए, और इसका पानी भी हम यूज़ करेंगे। 1/2 टेबल स्पून कोको पाउडर इसमें जाएगा। 1/4 टीस्पून कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी लिया मैंने। 1/4 टीस्पून इसके अंदर सिनेमन पाउडर, इनके दालचीनी का पाउडर जाएगा। 9 से 10 जो हैं ये मैंने आलमंड्स, बादाम लिए हैं, अखरोट लिए हैं 2 से 3, 8 से 9 मैंने पिस्ते लिए हैं। 1 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगी तिल, और 1 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा क्रश्ड कोकोनट का। क्रश्ड आइस जाएगी इसके अंदर, और जाएगा 2 कप फुल फैट मिल्क का। आप चाहें तो 1.5 कप भी ले सकते हैं अगर आपको थिक चाहिए। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले मैं सारे ड्राई जो फ्रूट्स हैं वो इसमें ऐड करूँगी। तिल डालूँगी, और कोकोनट, इंजीर और डेट्स डाल के थोड़ा सा इसमें दूध डालेंगे, और इसको 10-10 सेकंड्स के गैप से जो हम इसको अच्छा सा ब्लेंड करके इसका फाइन पेस्ट जो है हम रेडी कर लेंगे। थोड़े थोड़े वक्त से आपने ब्लेंडर चलाना है ताकि जो है ये अपना ऑयल जो है वो रिलीज़ ना करें, जो हमारे नट्स हैं जी। तो देखिए हमें इस तरीके का जो है वो पेस्ट चाहिए। देखिए फाइन पेस्ट हो गया है। अब इसके अंदर जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं, सिनेमन पाउडर, कोको पाउडर, जो हमारी कॉफ़ी है, फ्रोज़न बनानाज हैं, क्रश्ड आइस है, दूध है, ये हम सब इसमें शामिल करेंगे, और इसको दोबारा से 10-10 सेकंड के वक्फे के साथ अच्छे तरीके से जो है वो ब्लेंड कर लेंगे। तिल, ड्राई फ्रूट्स, कोको पाउडर सब मिलके इसको बहुत यूनिक नटी फ्लेवर देते हैं, जो इस ड्रिंक को तमाम दूसरे ड्रिंक से जो है वो यूनिक बनाता है। और सबसे अच्छी चीज़ कि इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है, सब नेचुरल जो स्वीटनर्स हैं फ्रूट्स से हमें इसमें मिल रही है। अगर चाहें तो इसके अंदर वनीला आइसक्रीम या टूटी फूटी आइसक्रीम भी ऐड कर सकते हैं जी। तो देखिए हमारी स्मूदी जो है, पर्शियन ड्रिंक माजून, रेडी हो गई है। मैं इसको सर्विंग ग्लासेस में जो है वो पोर करती हूँ। ये तकरीबन आपके अच्छे मीडियम साइज़ के 3 जो हैं ये ग्लास जो हैं आपके इसके रेडी हो जाएंगे। और ये शहरी में जो बच्चे जैसे नहीं, यंगस्टर्स जो हैं या बुज़ुर्ग भी हैं, नहीं हैवी चीज़ खाना पसंद कर रहे होते, नहीं कभी दिल करता, तो अगर आप ये ड्रिंक ही इनको बना के दे देंगे तो वो कम्प्लीट रहेंगे, फुल न्यूट्रिशंस इसमें मिलेंगे, एनर्जी इनको मिलेगी, और थ्रू आउट द डे जो है वो अच्छे तरीके से वो अपना रोज़ा जो है वो कम्प्लीट कर सकते हैं। तो ये रमज़ान स्पेशल है मेरी तरफ से आपके लिए। लास्ट ड्रिंक को ज़रूर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ख़ुद भी ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा फीडबैक। वीडियो पसंद आई हो तो थम्स अप दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जज़ाकअल्लाह।